subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात दहम यानी 10th स्टैंडर्ड की वर्ल्ड हेरिटेज 2.6 इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, आलमी विरसा कमेटी, ये क्या है? टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसमें क्या है, ये आलमी विरसा कमेटी जो है उसकी जिम्मेदारी है कि यूनेस्को के आलमी विरसा का मुकाम कौन सा है उसकी पहले लिस्ट तैयार करेंगे, फहरिस्त तैयार करेंगे। द कमेटी मीट्स वंस अ ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज डेट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स टर्म बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। अब ये कमेटी क्या है, ये साल में एक बार मिलती है और उसमें 21 स्टेट पार्टीज है यानी 21 अलग अलग इलाकाई पार्टियां हैं और वो क्या करती है, जनरल असेंबली में मिलती है और वहाँ पर वो 6 साल का उनका जो 6 साल का टर्म रहता है वो हर साल मिलती है। लेकिन वहाँ पर क्या करती है वो, द स्टेट पार्टीज़ आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। अब ये जो स्टेट पार्टीज़ यानी इलाकाई पार्टी जैसे कि भारत की है या फिर चाइना की है, रशिया की है, तो ये क्या करते हैं, दे उनकी टेरिटरी के अंदर जो है वो कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना है ये बताते हैं। जैसे कि भारत के चाहे ताजमहल हो, अजंता एलोरा हो, इस साइट को शामिल करने के लिए भी भारत की तरफ से शुरुआत की गई थी। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी वर्षे का मुकाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनती है, किसको बना सकते हैं। देर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंट्री ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल स्टेट्स। उसका पहला हिस्सा क्या है, इसमें क्या है, आलमी वर्षे का अगर मुकाम मुकर्रर करना है तो 5 मरहल है। पहला मरहला यह है कि किसी मुल्क या इलाके पार्टी का अपने यहाँ के काबिल ज़िक्र तहजीबी और कुदरती मुकामात की मुकम्मल फहरिस्त बनाना, लिस्ट बनाना सबसे पहले, यानी उसके बारे में उसकी इन्वेंट्री करना, और इसे तजुर्बाती आर्जी फहरिस्त कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। अब ये जो है ये टेंटेटिव लिस्ट है यानी ये आरजी लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है इसे, ये जब तक कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उसे नहीं समझ कबूल नहीं करती, जब तक कि आपके पास एक आरजी फहरिस्त तैयार ना हो और वो आलमी फहरिस्त के को वहाँ पर पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, कंट्रीज़ आर देन एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट। अब क्या होता है, उसके बाद में जो कंट्रीज़ है, जो मुल्क है, वो क्या करते हैं, अपनी कुछ टेंटेटिव जो आरजी लिस्ट होती है उसमें से कुछ लिस्ट में से कुछ मकामात को नामज़द करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन यानी नामज़द करना। द थर्ड स्टेप इज़ अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय द एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन हु देन मेक रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब ये जो रिकमेंडेशन होते हैं तो ये सिफारिशात, रिकमेंडेशन यानी सिफारिशात, तो ये थर्ड स्टेप में जाकर क्या होता है कि एक रिव्यू लेते हैं पहले नॉमिनेशन फाइल पर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, 2 एडवाइजरी बॉडी है, वो एडवाइजरी बॉडी क्या करती है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स को क्या करती है और वर्ल्ड कंजर्वेशन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सिफारिशात देते हैं यानी रिकमेंडेशन देते हैं, और जैसे रिकमेंडेशन पास हो जाएगी तो उसे कबूल कर लिया जाएगा। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर टू रिव्यू देयर रिकमेंडेशंस एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो साल में एक बार मिलती है और वो क्या करती है, जितने भी सिफारिश आता है, रिकमेंडेशंस आए, तो वो सारी सिफारिशों के बारे में मालूमात हासिल करती है और उसमें तय करती है कि कौन से साइट को आपको ऐड करना है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट 1 of 10 सेलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसका फाइनल स्टेप क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंट्रोल में होता है कि वो कौन सी साइट को नॉमिनेट करे और किसे उसमें से निकाल दे। इफ़ द साइट्स मीट्स दिस क्राइटेरिया इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब ये साइट अगर उसका क्राइटेरिया वो
फुलफ़िल कर देती है। तो क्या होता है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर देती है तो आखिरी मरहले में क्या करते हैं, क्राइटेरिया यानी वो मियार, तो उसे उस मकाम पर खड़ा उतारने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद में उसे फहरिस्त में उसे इंस्क्राइब कर लेते हैं, यानी उसका इंदराज हो जाता है, उसे दर्ज कर लेते हैं। वंस अ साइट गोज़ थ्रू द प्रोसेस दिस प्रोसेस एंड इज चूजन, इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हूज टेरिटरी। अगर ये साइट अगर सेलेक्ट हो गई है प्रोसेस से तो ये कंट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है, बट इट ऑल्सो बिकम्स द कंसिडर्ड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब वो सिर्फ कंट्री की ही साइट नहीं है, जैसे कि ताजमहल है या अजंता एलोरा है, तो अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई तो ये सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी भी वो हिफाजत करेगी। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। एज ऑफ 2009 देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2009 तक के 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे। डेट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज, जो 148 कंट्रीज में थे दुनिया की। 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल एंड इंक्लूड्स प्लेसेस लाइक द सिडनी ऑपरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो 689 है इसमें से कुछ ऐसे भी है जैसे कि सिडनी का ऑपरा हाउस है या जो ऑस्ट्रेलिया में है या फिर हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ये भी उसमें इंक्लूड है। 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशन एज द US येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स। अब ये जो 176 जो है इसमें से नेचुरल भी है, जैसे कि US का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, ये दोनों भी है। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड, यानी नेचुरल और कल्चरल, मिक्स्ड यानी जो दोनों का मिला जुला हिस्सा होता है नेचुरल और कल्चरल का, जैसे कि पेरू का माचो पिचू इज़ वन ऑफ दीज साइट्स। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44। अब पेरू का माचो पिचू ये क्या है, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड का भी हिस्सा है और उसके अलावा सबसे ज़्यादा किसके पास है, 44 है, 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसके पास है, 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली के पास है। इंडिया हैज़ 36, यानी भारत में 36 है, 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एंड 1 मिक्स्ड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड कंट्रीज इंटू 5 जियोग्राफिक जोन्स। अब ये 5 अलग अलग जियोग्राफिक जोन है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने इसे डिवाइड किया है। पहला क्या है, अफ्रीका, यानी अफ्रीका में जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड वगैरह है। दूसरा अरब स्टेट्स जैसे कि सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, ये अरब स्टेट्स। उसके बाद एशिया पैसिफिक रीजन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, एशिया पैसिफिक जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह आते हैं। उसके बाद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, ये इस तरीके के अलग अलग देश हैं। भारत एशिया और ओशियाना में आता है, एशिया पैसिफिक रीजन में आता है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, अब आलमी विरसे के ऐसे मकामात जो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, कौन से हैं। लाइक मेनी कल्चरल नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मेरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, बहुत सारे ख़तरे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब कौन कौन से है, अब बींग डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वार, अक्सर क्या होता है ये जंग की वजह से। अभी देखिए ये सीरिया में जो जंग हो रही थी या फिर इराक में बेबीलोन के साइट्स है या सीरिया में पालमेरा के साइट्स है, वहाँ पर बॉम्बिंग हुई थी और वो साइट्स तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा, या मोसल का जो म्यूज़ियम था उसको लूट लिया था बहुत सारे लोगों ने। तो ये ऐसी ही चीज़ें होती है जो जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेंजर में कह सकते हैं। पोचिंग यानी कि जिसमें क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ये आमतौर पर कुदरती जानवरों का उनका शिकार जो होता है उसकी वजह से भी होता है ये तमाम चीज़ें। अब ये चीज़ें कहाँ पर होती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, यानी जहाँ पर क्या होता है जलजले आ जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कुदरती आफात। अब इससे क्या होता है, इससे अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन यानी बहुत ज़्यादा शहरी आबादी का बढ़ जाना, जैसे कि मुंबई में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, वहाँ पर जो लाल किला वगैरह है या फिर ताजमहल के आजू बाजू बढ़ने वाली आबादी है, उससे भी क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन से
हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स, जैसे कि ताजमहल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर भी ये डेंजर में है, ख़तरे में है। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन, अब जैसे कि ताजमहल के आजू बाजू जो कारखाने लगे थे उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा था और ताजमहल काला पड़ रहा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर आर डिस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी टू अलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू दैट साइट। अब क्या होता है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी जो है जो खतरे में है उसके लिए एक अलग लिस्ट बनाते हैं और उसके लिए फ़ंड अलोकेट करते हैं ताकि उसकी हिफाजत की जा सके। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर द साइट, या फिर दूसरे कुछ प्लान बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी हिफाजत के लिए। इफ़ हाउएवर अ साइट लूजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अलॉट फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज में से अगर कोई ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो लिस्ट में तो है इंक्लूड, लेकिन उसकी जो खसूसियत थी वो ख़त्म हो गई, तो फिर क्या करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या लिस्ट क्या करती है, कमेटी उसमें से लिस्ट में से उसका नाम निकाल देती है। अब इसके बारे में अगर हमको और मालूम करना है तो हम क्या करते हैं WHCA वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी UNESCO.org पर हम क्लिक कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप और एक्टिविटीज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा।